हापुड़ में हुई अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और लाठीचार्ज की घटना को लेकर उत्तराखंड के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हैं। अधिवक्ताओं ने अपने सारे काम बंद करके तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। सिर्फ हापुड़ में हुए लाठीचार्ज की घटना ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में वकील की हत्या जैसी अन्य कई मामले हैं जिसमें अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार हुआ है। इन्हीं सबको देखते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया और सुरक्षा प्रदान किए जाने जैसी अन्य मांगों को लेकर खटीमा तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र भेजा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार से सभी अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। जिस प्रकार प्रदेश के समस्त न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा समस्त कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है, अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में मांग की कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए ताकि अधिवक्ता निर्भीक रूप से न्यायिक कार्य संपन्न कर सके और उनके हित सुरक्षित रहे। आह्वान पे जो खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन है उन्होंने एक हड़ताल का आज आह्वान किया। पूरे उत्तराखंड में आज हड़ताल है, सारे वकील हड़ताल पर रहेंगे। इसका मेन कारण है कि हापुड़ में जो पुलिस द्वारा वकीलों पे गलत लाठीचार्ज किया गया है, उसके अलावा गाजियाबाद में एक अधिवक्ता की चैम्बर में जाकर गोली मारी गई है, उसके अलावा देहरादून में अधिवक्ता के ऊपर फर्जी रजिस्ट्री का एक मुकदमा किया है। तो हम सब इसके खिलाफ पुलिस के खिलाफ इस मामले में कर सकते हैं। जो भी वहाँ के पुलिस कर्मचारी जिन्होंने किया उनको निलंबित किया गया। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने कहा कि अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है, उनकी मांग शासन तक पहुंचाई जाएगी। अधिवक्ताओं ने आज उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ शिकायतें आई हैं जिसके संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, सुरक्षा संबंधी कुछ इनकी द्वारा मांग की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। उस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई निर्देश प्राप्त होंगे वहाँ से उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।